देना चाहिए। हाँ चले देख पटा। एक तो बारिश का सीन होना चाहिए। सर किसको बुला रहा है? सर आके ऊपर क्यों नहीं आके ऊपर नीचे के? तो इसका वेट किसका कर रहा है? वो अंदर ही नहीं है भाई, बाहरी बाहर। डाल पर से केबल निकाल सकते हो? केबल निकाल पर झाड़ू दो, झाड़ू ले दो। क्या बात है? और वो लैंप भी ऑन नहीं है, तेरे को बाहर निकालना पड़ेगा सोलर। चल ऐसा ऐसा नहीं दे, पट्टी कर सोलर, मेरा सोलर हाथ पट्टी कर, और नीचे फुल टाइट मार लिया, पट्टी कर, पट्टी कर बेटा। आज पट्टी कर, आप तो आराम से कुछ चाबी भी टाइट नहीं कर रहा है। हां ये अभी एंटर है, एंटर का जस्ट सपोज लॉक करो। चल 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 के बचाओगे भाई। ओके आई भी देर में तो समझ जाएगी ना कि जाने की। अगर तो पहला टू चीज का बिल्डअप देते। ही इज गेटिंग रेडी एंड रेडी टेक बाइक चेंज कर। राकेश आया आया ऑटो चलो। थोड़ा हाइट, थोड़ा हाइट, हाइट ले, थोड़ा हाइट। रेडी रेडी रोल रोल।
श्रीधर बोल सकते हैं। रोलिंग, कीप रोलिंग। कुछ दोस्त आए थे उनके साथ था क्या? नहीं इतनी भी नहीं पिए कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अल भी है। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर के पास। बोलेंगे कुछ गोल के आगे जाते हो चले गए हो चाहिए तो मुझे बोल देना ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। अरे तुझे पता है मैं किसके रूम में हूँ? अभी चीजों के रूम में यार, अक्सर अभी वो अरे वो जो गिटार बजाते ना वो मेरे सामने पड़ा है यार। वैसे भाभी मुझे तो लगा था कि अभी चीज ना या तो किसी मॉडल से शादी करेंगे या तो किसी हीरोइन से करेंगे, पर आप तो चुप कर। जो मॉडल हीरोइन जो है ना वो फिल्मों में अच्छी लगती है। वैसे मैं भाई की चॉइस से बहुत खुश। अब आप कुछ बोलेंगे भी क्या? ऐसी छुपे देंगे या जबान घर पे रख के आई है? अरे जबान घर पे रख के साथ में इसको लेके आई है जिसकी जबान ही बननी होती। नहीं नहीं, मुझे लगता है भाभी अब उसी वक्त बात करेंगी जब भैया घर पे आएंगे और उन्हें आई लव यू कहेंगे। ओ हेलो, मेरी दीदी को क्यों परेशान करे तुम लोग? दीदी को परेशान? इससे अच्छा तुम्हें पहले घर से निकालना चाहिए कमरे से। दीदी को, दीदी चलो चलो बाहर, कबाब में हड्डी चलो बाहर, चलो चलो बाहर लेके चले गए। जाने जाने से keep rolling and add everything is nice him till night till today keep rolling वहाँ से चलते पड़े keep rolling sorry इस flash से जाइए rolling। अच्छा flash में क्या करो sir? वही बड़ा कमरा छोटा कमरा, छोटे कमरे में बड़े कमरे में एक दूसरे की feelings कहीं खो जाती है। roll rolling and छोटा सा घर छोटा सा ऑफिस
हाथ पे जा दूसरा सीन टिल्ट अप रेडी साइलेंस रोलिंग एंड नीचे पिक अप कर रोलिंग एंड एक्शन दरवाजा खुला इधर आगे नीचे ओके ओवरऑल का कैमरा मुझे चल रही है मेरे को बस इतना पूरा डेटा बॉक्स इंटर कर पेंड मैंने फ्रेम बना ना फ्रेम बना नहीं अच्छा सॉरी सर और आगे हाँ बस एक मिनट सोलर राइट में ले ले सोलर राइट में कैमरा मेरा तीनों से बेबी बेबी फिल्म है बेबी बैकलाइट फिल्म है पांच नंबर थोड़ा सा राइट आपके सुति थोड़ा राइट आपके पांच नंबर ले पांच एक और रेडी चल थोड़ा राइट आपके रोलिंग एंड एक्शन देखिए सर मैम मैडम आपको बता नहीं सकता देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज बताइए कहाँ है वो जी जी वो इस वक्त रॉयल ब्लू अपार्टमेंट में बांद्रा के क्रॉस ले एक एक मिनट मैं लिख लेती हूँ रॉयल ब्लू रॉयल ब्लू अपार्टमेंट जी बांद्रा
फिफ्थ क्रॉस लेन आज का सीन बेसिकली प्रज्ञा को मैं घर लेकर आता हूँ शादी के बाद और कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रज्ञा को मेरी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं था उस दौरान मुझे एक फ़ोन कॉल आता है और मैं उस फ़ोन कॉल को अटेंड करता हूँ। उससे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, एक छोटी सी पार्टी रख करते हैं हम और वो फ़ोन कॉल किसका है, किससे मिलने जा रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा सस्पेंस है और प्रज्ञा उसी बात को लेकर परेशान होती है। सर कितना टफ हो रहा है सीन करना आपको शादी का? टफ़ हर एक सीन होता है और ईजी भी हर एक सीन होता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर और उस सीन को कहाँ ले जा रहे हो। मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर ग्राफ होता है, वो आपका जब आप एक्टिंग करते हो, जब आप एक कैरेक्टर बिल्ड करते हो तो आप एक ग्राफ बनाते हो, तो हर सीन एक नया सीन होता है, हर मोमेंट एक नया मोमेंट होता है, फिर आप उसे कैसे अपने कैरेक्टर में ढालते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। रिसेप्शन की तैयारियाँ हो रही है अभी, काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया है इस रिसेप्शन पे, काफ़ी ग्रैंड स्केल पे करने वाले हैं ये रिसेप्शन और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल दी अदर एक्टर्स फ्रॉम दी अदर शोज। श्रद्धा कपूर और चित्रा विलन के स्टार कास्ट आपके सेट पे, तो क्या कहना आपका? बहुत ही एक्साइटिंग स्टार कास्ट है एकता विलन का एंड इट बी ग्रेट टू इट वॉज ग्रेट शूटिंग विद देम एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड कैच द फिल्म। व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर ऑल द लव, वी कीप गेटिंग mails, messages from your end and thank you for all the love and support you all have given the show and us and please keep it going. Thank you.